बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं राशिद मिनहास वट्टू। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि मुल्तान में पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के हवाले से CTO मुल्तान की जानिब से 7 मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में DSP हेडक्वार्टर, DSP कज़ाफ़ी और TOCT की शिरकत की है और ट्रैफिक पुलिस। मीटिंग में शहरियों की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत का जायज़ा लिया गया। ट्रैफिक पुलिस दौरानी ड्यूटी चेक एंड बैलेंस को मज़ीद मौसर बनाएं, ड्यूटी ऐसन तरीके से सर अंजाम दें, जलील इमरान गलजई सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाएं और तजावजात के खिलाफ कार्रवाई को मज़ीद मौसर करें। जलील इमरान गलजई का ये कहना था। रावलपिंडी से आपको अपडेट करें, कैंट बोर्ड वार्ड नंबर 5 रावलपिंडी कैंट बोर्ड से आज़ाद उम्मीदवार हाजी जफर इकबाल ने कैंट की सियासत में नई बोहनचाल पैदा कर दिया है। डॉक्टर जाहिद वाली गली ढोक सैदा रोड कमालाबाद में हज़ारों अफराद पर मुश्तमल तूफ़ानी जलसा, आवाम का जमे गफीर उमड़ आया। तफसीलात के मुताबिक हाजी जफर इकबाल का ढोक सैदा रोड पर दफ्तर इफ्तिताह और इस वक्त एक बड़े पावर शो की सूरत इख्तियार कर गया है, जब बकरा मंडी चौक में हज़ारों मोटरसाइकिल सवारों ने उम्मीदवार के हक में रैली निकाली, जो इनके काफिले के साथ होती हुई डॉक्टर जाहिद वाली गली कमालाबाद तक पहुंची है। इस मौके पर पहले से जलसा के लिए पंडाल में आवामी जम्मे गफीर भी मौजूद था। हम जाएं तो जाएं कहां, गंदगी खत्म होने का नाम नहीं लेती। अमला सफाई फोटो सेशन से काम चलाने लगा। मोहम्मद फहीम गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर शाहपुर कांजरा नज़्द पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के करीब जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। LWMC सिर्फ बातों से काम चलाने में मसरूफ है। मुख्तलिफ इलाकों में कूड़ा जमा होने के बायस इलाका मकीन इंतहाई परेशान हैं। हुकूमत के हाथों वो परेशान हैं, जिसके बायस उनका फौरी तौर पर सफाई करने का मुतालबा सामने आया है। गुजरावाला से आपको अपडेट करें, फिरोजावाला पुलिस का खराब पे रहने वाले डाकुओं के घर पर छापा। डाकुओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए गोली मारकर खुदकुशी कर ली। थाना फिरोजावाला पुलिस ने डाकू की तलाब पर एक घर पर छापा मारा, जहां डाकू किराए पर रहते थे। पुलिस के मुताबिक पुलिस के पहुंचने पर डाकू कासिम उर्फ हुनेरी छत पर चढ़ गया और पुलिस को कहा कि अगर इसे पकड़ा तो वो खुद को गोली मार लेगा। पुलिस की गारंटी के बावजूद मुलजिम कासिम ने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली, जबकि इसके साथी को हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज किया गया है। वकूए के बाद अफसरान समेत पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और डाकू कासिम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर देंगे जेहलम से, जहां पर नुमाइंदा रॉयल न्यूज सैयद कोकब अब्बास के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस जेहलम में ऑफिस मैनेजमेंट के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया है। शाकिर हुसैन दावर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम की जेर सदारत ऑफिस मैनेजमेंट के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में हाफिज मोहम्मद अताउर रहमान, SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इब्राहिम वड़ाइच, DSP सिटी सर्कल महमूद अहमद शाह, DSP सदर सर्कल मोहम्मद इकबाल हुसैन कासमी, DSP सुहाबा सर्कल मोहम्मद सलीम खटक, DSP पिंड दादन खान सर्कल और हेड ऑफ ब्रांचेस DPO ऑफिस जेहलम ने शिरकत की। तहसील गंबड़ किसान कॉलोनी के रहवासी खालिद महमूद सुरही अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी अगवा हुए बेटे अहमद सुरही की बाजियाबी के लिए नेशनल प्रेस क्लब गंबड़ पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि खालिद महमूद सुरही और इसके रिश्तेदारों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मीडिया वालों को बताया है कि अहमद सुरही, जिसकी उम्र तकरीबन 7 साल है, जो गुज़श्ता रोज़ घर के बाहर निकल और जिसको रहमान वालद रमज़ान गोपांग ने अगवा करके गायब कर दिया। वाकई की NOC हमने गंबड़ थाने पर दर्ज करवा दी है, लेकिन गंबड़ पुलिस की तरफ से अभी तक कोई मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। गुजरावाला से आपको अपडेट करें, फिरोजावाला पुलिस का किराए पर रहने वाले डाकुओं के घर पर छापा। डाकू कासिम उर्फ हुनेरी छत पर चढ़ गया और कहा कि अगर उसे पकड़ा तो वो खुद को गोली मारकर हलाक कर लेगा। पुलिस का ये कहना है, पुलिस के मुताबिक पुलिस की गारंटी के बावजूद मुलजिम कासिम ने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कासिम का साथी हिरासत में है, पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। आपको अपडेट करेंगे मलका कौसार मरी से। रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक
अखबार फरोश यूनियन तहसील मरी के साबिक सदर, कई रोजनामों के न्यूज़ एजेंट खान मोहम्मद अब्बासी मुख्तसर अलालत के बायस रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं। मरहूम को हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में जुमा के दिन उनके आबाई गांव लखोट यूनियन काउंसिल नंबल मरी में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अखबार फरोश फेडरेशन पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी टिक्का खान, साबिक नाजम नंबर राजा अरशद नवाज अब्बासी, सीनियर सहाफ़ी औरंगजेब अब्बासी, राजा अब्दुलरहमान एडवोकेट, आफ्ताब अब्बासी एडवोकेट, दीगर वकला सैयद ताज हुसैन बुखारी, अब्दुल हमीद अब्बासी, तुफैल अब्बासी, ख्वाजा दामिक इकबाल, हंजला अब्बासी, रईस अब्बासी, लेबर विंग नून तहसील मरी के सदर गालिब बशीर अब्बासी, MSF तहसील मरी के सरपरस्त आला राजा असद महमूद अब्बासी, अखबार फरोश यूनियन तहसील मरी के सदर महबूब लोन, जनरल सेक्रेटरी गुलस्तान अब्बासी, सेक्रेटरी इतलात व नशरियात इमरान अब्बासी और दीगर अखबार फरोशों के अलावा मजहबी, सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात, अहलियान इलाका और अजीज व अकारब ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरहूम इंतहाई खुश अखलाक और हमदर्द इंसान थे। अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए। टंडो अलहजार से आपको अपडेट करें, 27 अगस्त 2021 में डिप्टी कमिश्नर टंडो अलहजार वली मोहम्मद बलोच ने महकमा सेहत के अफसरान, डॉक्टर्स और फील्ड के अमले को हिदायत की है कि 20 सितंबर 2021 से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएँ, जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से बताई गई SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट royalnews.tv, और आप देखते रहिए Royal News।